नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मैंने लाइव वॉलपेपर सेट कर रखा है। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस टाइप का लाइव वॉलपेपर आप अपने मोबाइल पे कैसे सेट कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। मेरे हाथ में है रेडमी नोट 9 और इस वीडियो में आपको लाइव वॉलपेपर की सेटिंग करना बताऊंगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे स्क्रीन पे ऐसे दबा के रखेंगे तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो नीचे आप वॉलपेपर वाले सेक्शन में चले जाएंगे। वॉलपेपर वाले सेक्शन पे मैंने क्लिक कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये आपका लाइव वॉलपेपर है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो लाइव वॉलपेपर आपका लिखा हुआ आ गया है ऊपर। तो ये सारे जितने भी वॉलपेपर हैं ये सारे आपके लाइव वॉलपेपर हैं। तो ऐसे स्क्रॉल करके देखेंगे, जो वॉलपेपर आपको पसंद आ रहा है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मुझे ये वाला वॉलपेपर पसंद आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और डाउनलोड वॉलपेपर पे क्लिक करूँगी। ये आपकी यहाँ पे ऐड आ जाएगी, तो आप वेट कर लेंगे थोड़ी देर का। तो यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे सेट करना है, होम स्क्रीन पे सेट करना है, या बोथ, यानी कि दोनों पे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे बोथ पे क्लिक कर देती हूँ तो ये आपका दोनों पे सेट हो जाएगा। आपका अप्लाई हो चुका है सक्सेसफुली। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका लाइव वॉलपेपर कुछ इस टाइप का दिखता है। तो मैं लॉक स्क्रीन पे भी मैंने सेट कर रखा है तो आपको दिखा देती हूँ। ये आपका लॉक स्क्रीन पे है और ये आपका होम स्क्रीन पे है। तो इस टाइप से आप लाइव वॉलपेपर की सेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।